एएमयू वाला मसला है यहाँ, उसमें क्या है जो नक्शा? नहीं, मुझे आज शादी में, शादी के मिलिए आया हूँ, शादी के बारे में कुछ भी सवाल पूछो। राजेंद्र सिंह भी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे वहीं के रहने वाले, डोला के हमारे बागपत के रहने वाले, लेकिन मैं शायद उनको जानकारी नहीं होगी, और आपके माध्यम से उनको भी, दूसरे जितने लोग हैं जो गंगा में आस्था रखते हैं, गंगा इस देश की अस्मिता का प्रश्न है। गंगा में ये मैं कह सकता हूँ कि अभी इस समय लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, और मुझे लगता है कि 2019 में मार्च अप्रैल तक, अभी कुंभ हो रहा है आपको मालूम होगा इलाहाबाद के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गंदा नाला, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर, ये माननीय योगी जी ने भी घोषणा की है, कोई गंदा नाला गंगा के अंदर पड़ेगा। आप उत्तराखंड से लेकर के गंगोत्री से लेकर के इलाहाबाद तक आप जाकर के, मैं आपसे भी अपील करूँगा, आप व्यक्तिगत रूप से जाकर के देखिए, आपको निश्चित रूप से आज जो स्थिति है वो कल उसमें बेहतर मिलेगी। काफ़ी काम हो रहा है, पैसे की इस विषय में कोई कमी नहीं है। हम लोग जो है प्रदेश सरकार के थ्रू काफ़ी काम कर रहे हैं, कुछ जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आजकल काफ़ी काम डायरेक्ट कर रही है केंद्र सरकार, और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों एक जो है बड़ी STP का जो है उद्घाटन भी उसमें हुआ है। तो धीरे धीरे करके ज़्यादातर जो है STP या 70-80% तैयार हो चुके हैं, गंदे नाले कुछ न कुछ तरह से बंद हो चुके हैं, लोगों में एक बहुत बड़ी जागृति आई है, और ज़्यादातर लोग जो हैं अभी गंदा उसको गंगा मैया को उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी सानंद जी ने कि ये दुर्भाग्य की बात है, हम लोग सब उनका आदर करते हैं, उनका एक संकल्प था, और शायद उनकी जो इच्छा थी कि बहुत तेज़ गति से, कुछ मामले ऐसे हैं जो 70 साल की या 100 वर्षों की जो, जिससे हमारी जो आदत बन गई, जो गंदगी हुई है शहरों से गाँव के, उससे उसको एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप इस बात को विश्वास वो करेंगे, इतना संभव नहीं हो पाता। लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार, चाहे हमारी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, बहुत ही इस विषय में कृत संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हमको को गंगा को साफ करके ही रहना है। देखिए उसके बारे में उनका जो मैटर है वो सब जुडिस है, और सब जुडिस मैटर में जो कोर्ट में मामला चलता है उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। सर, भारत के नक्शे से कश्मीर गायब है, ये मुझे मालूम नहीं। भारत के नक्शे में तो कश्मीर दिखाया जाता है, आपने तो दोबारा पढ़ी है उसको, नक्शा ठीक है। सर, एएमयू में जो है भारत के नक्शे से कश्मीर, उसके उसकी मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है। सर, ऐसा और यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उनको शायद मालूम हो सकता है। ऐसा है तो सर वो गलत है, मुझको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से मैं जानकारी